नमस्ते दोस्तों जी, हाँ मैं उजेंता का दोस्त और आपका होस्ट आशीष चौधरी। और मैं जैसे कि आपको पता है सच्ची क्राइम की कहानियाँ लेके आते रहता हूँ। आज की कहानी कुछ ऐसी है रायगढ़ जिला की। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी कुछ ऐसी है कि उल्वे नोड में एक मोनिश ट्रांसपोर्ट, जी हाँ आप डंपर देख रहे हैं, इसने मचाया आतंक। पुलिस की तरफ से हुई दो फायर राउंड, जी हाँ, और डंपर चालक फरार हो गया। असल में हुआ क्या कि डंपर चालक ने सेक्टर 16 से आतंक मचाना शुरू किया, कई गाड़ियों को तोड़ा, कई मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचाया और उसके बाद वो शिवाजी नगर पुलिस चौकी पहुंचा। जी हाँ, ये सब नुकसान पहुंचाने के बाद इसके बीच में उसने कई और नुकसान भी पहुंचाए होंगे। जो नुकसान हमारे पास तक पहुँचे हैं सूत्रों के अनुसार से, वो हम आपको बता रहे हैं। उसने और भी कई जगह नुकसान पहुँचाए और फिर वो घूमते फिरते पहुँचा शिवाजी नगर पुलिस चौकी में, जहां उसने पूरी तरह से कोशिश की कि चौकी को तहस नहस कर दे। पता नहीं क्या रंजिश का मामला है, लेकिन पुलिस चौकी के अंदर बैठे तीन पुलिसकर्मी बच गए, बाल बाल बच गए। जी हाँ, क्योंकि सीनियर पीआई ने वहां पे तुरंत आकर डिफेंस में, जी हाँ, जिसे कि डिफेंस कहते हैं, डिफेंस में दो गोलियां राउंड की फायर की ताकि बचाव हो सके, लेकिन उसे दोनों गोलियां नहीं लगी और वो फरार हो गया है। जी हाँ, इस वक्त वो फरार चल रहा है। जिस वक्त तक मैं आपको ये न्यूज़ बता रहा हूँ तब तक वो फरार है। इसके आगे की क्या कहानी है वो हम आपको फिर से लेकर लौटेंगे, पूरी की पूरी कहानी। लेकिन उल्वे नोड बनते जा रहा है आतंक का शहर, जी हाँ, आतंक का नोड। लेकिन घबराने की बात नहीं, इसलिए नहीं है क्योंकि पुलिस जो है वो बेहद चौकन्नी है। और एक बात मैं आपको बता दूं, पुलिस से लड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जी हाँ, ये आपको शायद डायलॉग जैसा लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, पुलिस से लड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। इसे पकड़ने में पुलिस की मदद करें।